नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में फिर करवट बदलेगा मौसम। राजधानी रांची समेत कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी सहित कई जिलों के मौसम का मिजाज 21 अप्रैल को बदल सकता है। इस दिन फिर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। खासकर राज्य के उत्तर पूर्वी यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में। झारखंड के मध्य यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ तथा झारखंड के दक्षिण में पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके बाद 24 अप्रैल तक मौसम शुष्क रह सकता है। मौसम शुष्क रहने पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 36.2 तथा न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर में रविवार को छिटपुट बारिश भी हुई। वहां अधिकतम तापमान 38.7 तथा न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीद सकेगी राज्य सरकारें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन पर एक बड़ा ऐलान किया। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेगी, बाकी 50% सप्लाई राज्य सरकारों को दे सकेगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। वैक्सीन की कमी ना हो इसके लिए राज्य सरकारों को कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के 4290 नए संक्रमित मिले, जिसमें 24 घंटे के भीतर 46 लोगों की मौत भी हुई। इनमें से 14 रांची के हैं। रांची के अलावा पूर्वी सिंहभूम में 10, बोकारो, कोडरमा, लोहरदगा तथा धनबाद में 3-3, चतरा, गढ़वा व पश्चिमी सिंहभूम में 2-2, गोड्डा, लातेहार, साहिबगंज व गुमला में 1-1 मरीज की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि राज्य में 24 घंटे के भीतर 1777 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में वर्तमान में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 30,477 हो गई। वहीं अब तक 1,35,256 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 1502 कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है। किस जिले में कितने संक्रमित हैं आइए जानते हैं। बोकारो में 188, चतरा से 32, देवघर से 112, धनबाद से 149, दुमका से 36, पूर्वी सिंहभूम से 639, गढ़वा से 66, गिरिडीह से 53, गोड्डा से 91, गुमला से 85, हजारीबाग से 237, जामताड़ा से 49, खूंटी से 103, कोडरमा से 230, लातेहार से 90, लोहरदगा से 35, पाकुड़ से 17, प्लामू से 94, रामगढ़ से 145, रांची से 1404, साहिबगंज से 153, सरायकेला से 87, सिमडेगा से 137, पश्चिमी सिंहभूम से 58 नए संक्रमित मिले हैं। और कहां से कितने स्वस्थ हुए हैं 24 घंटा के अंदर ये भी जान लीजिए। बोकारो से 69, चतरा से 1 भी नहीं, देवघर से 72, धनबाद से 84, दुमका से 48, पूर्वी सिंहभूम से 178, गढ़वा से 46, गिरिडीह से 18, गोड्डा से 38, गुमला से 57, हजारीबाग से 74, जामताड़ा से 96, खूंटी से 1 भी नहीं, कोडरमा से 1 भी नहीं, लतेहार से 1 भी नहीं, लोहरदगा से 25, पाकुड़ से 12, प्लामू से 29, रामगढ़ से 94, रांची से 625, साहिबगंज से 127, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 45 और पश्चिमी सिंहभूम से 37 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। झारखंड में अब लक्षणों के आधार पर होगी संक्रमितों की पहचान। झारखंड में अब लक्षण के आधार पर कोविड संक्रमितों की पहचान कर उनका इलाज होगा। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने इस बाबत एक पत्र सभी उपायुक्तों, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अधीक्षक, सिविल सर्जन, सभी निजी अस्पतालों के निदेशक, प्रशासक, अधीक्षक तथा सभी अस्पतालों के नोडल अफसर को भेजा है। सचिव ने लिखा है कि हाल के दिनों में कोविड 19 की दूसरी लहर में राज्य में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। संक्रमितों का कभी कभी आरटीपीसीआर टेस्ट में नहीं पहचाने जाते हैं। साथ ही साथ राज्य में अत्यधिक सैंपल कलेक्शन के कारण कोविड 19 जांच के रिपोर्ट लंबित है। अतः लक्षण को आधार मानकर कोविड 19 संक्रमितों की पहचान की जा सकती है। इस आधार पर आप संक्रमितों का पहचान कर सकते हैं। अगर कोई कोविड 19 पॉजिटिव मरीज के साथ संपर्क में है तो संक्रमित हो सकता है। बुखार आना, नाक बहना, कफ, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सिर दर्द, सांस फूलना, आंख आना, दस्त आना, ऑक्सीजन लेवल में 90% से ज़्यादा कमी, रेजेड डी डीमर, IL-6 और CRP अगर लक्षण दिखाई दे तो ये संक्रमित हो सकते हैं।
राजद ने की झारखंड में लॉकडाउन लगाने की मांग, कहा कोरोना के रफ्तार को रोकना अति आवश्यक। राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य सरकार से लॉकडाउन लगाने की मांग की, कहा कि कोरोना के रफ्तार को रोकना अति आवश्यक है, ऐसे में लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय बचा है। रांची जिला अध्यक्ष अब्दुल गफार अंसारी ने कहा कि जिस तरह कोरोना संक्रमण फैल रहा है और रोजाना शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक संक्रमण भयंकर तौर पर बढ़ रहा है, इसको देखते हुए तत्काल सरकार को कदम उठाना चाहिए। सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि पूरे राज्य में एक साथ लॉकडाउन नहीं किया जाए, परंतु जिन जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा है उन हिस्सों में लॉकडाउन लगाकर संक्रमण को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। राजद ने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण पूर्ण रूप से फैल चुका है उन जिलों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया जाए और संक्रमण का चैन को तोड़ा जाए। हाईकोर्ट का आदेश है कि कोरोना संक्रमितों के लिए रेमडेसिविर और ऑक्सीजन उपलब्ध कराए झारखंड सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने सदर अस्पताल से संबंधित मामले की सोमवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कोरोना संक्रमितों के लिए जीवन रक्षक रेमडेसिविर के साथ ही अन्य दवाओं ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता समाप्त कराकर इसे तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने साथ ही सरकार के ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखने को भी कहा जो ऐसे आपदा के समय में कई गुना दाम पर इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार को हाईकोर्ट स्थित स्वास्थ्य केंद्र को भी ऑक्सीजन बेड से लेस करने और एडवोकेट एनेक्सी हॉल में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने का निर्देश दिए है। बांग्लादेश से रेमडेसिविर मंगवाएगा झारखंड, सीएम हेमंत ने केंद्र से मांगी अनुमति। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर झारखंड सरकार ने राज्य में रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कवायद आरंभ की है। इसके तहत बांग्लादेश की एक दवा कंपनी से संपर्क भी किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांग्लादेश से इस जीवन रक्षक दवा को आयात करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री भी सदानंद गौड़ा को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है। रेमडेसिविर कोरोना के इलाज के लिए कारगर दवा है, झारखंड में इसकी काफ़ी कमी है। तमाम प्रयासों के बावजूद मरीजों को इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसका विपरीत असर पड़ रहा है। झारखंड ने रेमडेसिविर के 76,640 वायल की मांग की थी, लेकिन इसके मुकाबले सिर्फ 8,038 वायल ही आपूर्ति की गई, जिसके कारण जरूरतमंद मरीजों को यह दवा नहीं मिल पा रही है। झारखंड में पुलिस प्रशिक्षण पर कोविड 19 के चलते लगा ब्रेक, पुलिस कर्मियों को अपने अपने जिलों में लौटने का आदेश। राज्यभर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, इलाज के लिए अस्पताल में जगह कम पड़ने लगे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस मुख्यालय रांची सुरक्षा के लिहाज से कई अहम फैसले लिए हैं। खासकर राज्यभर में पुलिस कर्मियों का जो प्रशिक्षण का दौर चल रहा था उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। धनबाद से भी दर्जनों पुलिसकर्मी प्रशिक्षण के लिए हजारीबाग, पीटीसी और जमशेदपुर गए थे। सबको अपने अपने घरों को लौटने का आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशिक्षण स्थगित करने संबंधी आदेश रांची पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण ने जारी किया है। पुलिस महानिरीक्षक का यह निर्देश हजारीबाग जीपीए पद्मा विशेष शाखा नेतरहाट एसआईआरवी एसआईएसएफ पुलिस वेलफेयर स्कूल निगरानी ब्यूरो समेत सभी विभाग के कार्यालय को भेज दिया गया है। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि झारखंड राज्य में संचालित सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को 30 अप्रैल 2021 तक स्थगित किया गया है। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा स्थगित, सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी परीक्षा 2021 को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 2 मई को होने वाली थी, इसमें करीब 5.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई थी। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने अगले आदेश तक सभी परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला किया है। झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन को लगाने के लिए बाबूलाल ने सीएम हेमंत को समझाया प्लान। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की वकालत की। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर इस संदर्भ में बात की और राज्य की मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए लॉकडाउन को जरूरी बताया। बाबूलाल ने कहा कि हमारे पास तमाम माध्यमों से जितनी भी खबरें आ रही है उससे लगता है कि राज्य की जनता चाहती है कि लॉकडाउन लगे। इसमें हमारी पार्टी भी पूरा सहयोग करेगी। जनता भी यही चाह रही है कि लॉकडाउन लगे ताकि यह चैन टूटे। खबर है झारखंड के गोड्डा से, पीआरए तकनीक से पता चलेगा किसानों की आय।
ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में ग्राम कतरा प्रखंड गोड्डा में झारखंड राय विश्वविद्यालय नामकुम रांची की छात्राओं द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से PRA तकनीक के माध्यम से सर्व प्रपत्र भरा गया। कृषि प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश दुबे ने बताया कि PRA तकनीक के माध्यम से गाँव की स्थिति, किसान की आर्थिक सामाजिक स्थिति, कृषि के संसाधन, पशुपालन, मुख्य फसल, सब्जियों की उपज, मूल्य संवर्धन, बाजार भाव एवं किसान की आमदनी का पता चलता है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। स्वास्थ्य कर्मियों को ले जा रहा ऑटो पलटा, 3 घायल। साहिबगंज के उधवा आतापुर पंचायत में सोमवार को मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण कर अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल लौट रहे 3 स्वास्थ्य कर्मी को ले जा रहा ऑटो जामनगर मुख्य सड़क पर पलट गया। इसमें सवार 4 लोगों में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अनुमंडल अस्पताल राजमहल में प्राथमिक उपचार किया गया है। अनुमंडल अस्पताल राजमहल के प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि ओडी में जिस शिक्षा पदाधिकारी की ड्यूटी थी उसे समुचित उपचार करने का निर्देश दिया गया है। उधर घायलों ने अनुमंडलीय अस्पताल में समुचित उपचार नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। खबर है झारखंड के दुमका से। अब 24 घंटे में मिलेगी RT-PCR की जांच रिपोर्ट। RT-PCR से कोरोना की जांच कराने वालों को अब रिपोर्ट के लिए पूरे सप्ताह का इंतजार नहीं करना होगा। बुधवार से 24 घंटे के अंदर यहां जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि सैंपल जांच में मुंबई की कंपनियां सहयोग करेगी। सरकार ने कंपनी से करार किया है, रोज 5,000 सैंपल उसे भेजे जाएंगे। अब दुमका में प्रज्ञा पर अधिक भार नहीं होगा। बुधवार से सैंपल लेने के लिए महज 24 घंटे के अंदर RT-PCR की रिपोर्ट मिलने लगेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।